यार दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा नाम जिससे आप लोग सारे फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर इसको अलग अलग अपनी अपनी डिवाइसेस में जो है वो यूज तो करते ही हैं। और दोस्तों, कभी ना कभी किसी ना किसी से आपने इसी सोशल मीडिया के बारे में कुछ ना कुछ भी सुन रखा होगा। तो यार आज ये वीडियो आखिर तक देखती रही है, मैं आपसे आज बात करूंगा यहाँ पर सोशल मीडिया फ्रेगमेंटेशन के बारे में। और दोस्तों, हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से हम आ गए एडवांस दौर में अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे यहां पर बात करूं सबसे पहले सोशल मीडिया की, तो बेसिकली यार सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझ लो, या फिर एक ऐसी यहां पर मैं बोलूंगा ना एक पाथ समझ लो, जो कि हमें अपने काम करने में हमारी हेल्प भी कर देती है। और दोस्तों, हमारे जो बेसिकली बिजनेसेस होते हैं, या फिर हमारे मान लो छोटे स्टार्टअप्स अगर होते हैं, या फिर इवन आपके पास एक छोटी सी शॉप भी है, तो दोस्तों उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर उसकी जो मार्केटिंग है अपने लोगों में करवानी है, तो डेफिनेटली यार आपको सोशल मीडिया ऐप्स का तो सहारा लेना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया के ट्रेडिशनल मेथड्स की, तो पहले के टाइम पे अगर मैं आपसे बात करूँ आज से 50 या फिर 60 साल पहले की, तो उस टाइम पे जो सोशल मीडिया के कंप्लीट प्लेटफॉर्म्स थे वो इतने ज्यादा थे नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर उस टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वो या तो आप यहाँ पर कंप्लीट मारोगे, या फिर आप जो है कोई ट्रेडिशनल मेथड को यहाँ पर जो इंप्लीमेंट करोगे अपने इस काम को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगर सोशल मीडिया फ्रेगमेंटेशन की, तो सबसे पहले छोटे से लेकर जो है सोशल मीडिया फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने सोशल मीडिया को यहाँ पर फ्रेगमेंट कर रहे हो, यानी कि आप जो है अपने सोशल मीडिया को तोड़ रहे हो टुकड़ों में। और दोस्तों, यहाँ पर तोड़ने के बाद में अलग अलग जो आपके पास लोग हैं उनमें आप जो है वो स्प्रेड आउट कर दोगे उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंगली। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ अगर परसेप्शन की, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सारे जो इंसान है उनकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है, उनकी जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज को देखने का वो भी एकदम डिफरेंट है। अब दोस्तों, मान लो कि अगर मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि आप जो है वो यहाँ पर फेसबुक खोलो और उसके ऊपर जो है वो न्यूज पढ़ना शुरू कर दो, तो डेफिनेटली यार आप इस बात से काफी इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि आप जो है फेसबुक को यहाँ पर न्यूज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आप जो है कोई ना कोई काम को करने के लिए फेसबुक को यहाँ पर ओपन कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, यही बात अगर आपसे ग्रैंडफादर से करता हूँ, दोस्तों यहाँ पर वो जो है डेफिनेटली इस बात से काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनको जो है न्यूज पढ़ना काफी अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये क्या है, ये परसेप्शंस है, मतलब ये कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग परसेप्शंस के साथ में जो है सोशल मीडिया एप्स को यूज करते हो। दोस्तों, कंपनी जो है कंपनी हमारे परसेप्शंस के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को जो है वो ट्रेवर्स करती है। और ऐसे में हम लोग जो है मान लो अगर किसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, किसी चीज को हम लोग सोशल मीडिया पे यहाँ पर किसी चीज के ऊपर लाइक्स करते हैं, किसी चीज के ऊपर कमेंट्स करते हैं, या फिर इवन अगर गूगल की बात करते हो, गूगल के ऊपर हम किन वेबसाइट्स के ऊपर कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर है, कितने ज्यादा लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, कितना ट्रैफिक उस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो कंपनी है ना कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों, ये चीजें कंपनी को स्केल अप करने में, कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है कंपनी की हेल्प करती है कि उसके जो कस्टमर्स हैं या फिर उसके जो कंज्यूमर्स हैं उनको कौन सी चीज में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मान लो कि अगर मुझे मान लो किसी साइकिल की वेबसाइट से, तो मुझे साइकिल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं जाऊंगा साइकिल, मतलब ये कि मैं कितनी देर साइकिल की वेबसाइट में रुकूंगा, तो ऐसे में उनको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ ये जो कस्टमर है इसका इंटरेस्ट इस चीज के अंदर प्रेजेंट है। और दोस्तों, उसको जो है वो और ज्यादा इंप्रूव करना शुरू कर देंगे, ताकि जो कस्टमर्स हैं जिन जिनका भी इस वेबसाइट के साथ में जो है वो यहाँ पर बोलूंगा लिंक है, तो ऐसे में वो जो है वो उसके साथ में यहाँ पर काम कर ले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनीज है बेसिकली वो हमारे परसेप्शंस के अकॉर्डिंगली अपने जो कंपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रेवर्स करते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो गूगल है, आपके पास IBM है या फिर Amazon वगैरह है, तो दोस्तों ये सारी कंपनीज जो है ये सारी कंपनीज हमारे दिमाग को पढ़ना जानती है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर अगर मान लो किसी शॉपिंग वेबसाइट पे है, या फिर मान लो हम किसी फोटोज की वेबसाइट पे है, या फिर मान लो हम किसी कोई भी मतलब किसी भी तरह की वेबसाइट से, आप यहाँ पर अलग अलग थिंकिंग के साथ में जो है वो इंटरनेट को यूज करते हो, मतलब आपका जो कंप्लीट परसेप्शन है ना वो डिफरेंट है दूसरे पर्सन से। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगर मीडिया फ्रेगमेंटेशन की, तो इसीलिए मीडिया फ्रेगमेंटेशन जो है वो हमारे सामने निकल के आई। और दोस्तों, यहाँ पर जो सोशल मीडिया फ्रेगमेंटेशन है वो यहाँ पर करती क्या है कि वो जो है हमने यहाँ पर फ्रेगमेंट कर दिया, यानी हमने जो है उसको टुकड़ों में स्प्रेड आउट कर दिया। और दोस्तों, हम लोग ने जो है सोशल मीडिया को, जैसे मान लो आपके पास ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, या फिर आपके पास गूगल होगा, दोस्तों ये सारे अलग अलग सोशल मीडिया एप्स हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो ये कंपनीज बेसिकली आपस में इंटरकनेक्टेड होती है इसी इंटरनेट के एक नेटवर्क के थ्रू। मतलब मान लो सोशल मीडिया जो है वो गूगल के साथ में भी है, फेसबुक जो है वो आपके पास यहाँ पर इंस्टाग्राम के साथ में भी है, इंस्टाग्राम जो है वो गूगल के साथ में भी है, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो कि हम लोग यहाँ पर दिन भर में
लेकर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो कंप्लीट आपके पास सोशल मीडिया एप्स हैं वो सारे एप्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी यूजर किसी भी टाइम पे किसी के भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर जो है वो विजिट करता है, और ऐसे में अगर वो विजिट करता है तो डेफिनेटली इससे पता हमें ये चलता है कि हाँ ये जो सारे आपके पास कंपनीज है जिनकी ये एप्लीकेशन है जो कि वो यूज कर रही है, तो ऐसे में उनके पास जो सारी कंपनीज मतलब जो उनके पास सारी एप्लीकेशन होती है वो आपस में जब इंटरकनेक्टेड होंगे तो जो कस्टमर्स उनके ऊपर विजिट कर रहे हैं मतलब जो यूजर्स उनके ऊपर विजिट कर रहे हैं तो वो उनके इंटरेस्ट को पकड़ लेती है, मतलब वो जो है वो उनके इंटरेस्ट को ले लेंगी। और दोस्तों इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर कंपनीज को देखते हैं कि कंपनीज जो है वो यहाँ पर दिन ब दिन जो है वो सक्सेसफुल होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने हमारी हैबिट्स को जो है वो यहाँ पर कैटर कर लिया, हमारी हैबिट्स को जो है वो समझ दिया कि हमारे कस्टमर्स की नीड्स क्या है, हमारे कस्टमर्स को कौन से टाइम पे किस चीज की जरूरत पड़ती है और कितनी चीजों के बारे में वो यहाँ पर दिन भर में सर्च करता रहता है। तो इस तरीके से अगर मान मैं आपसे बात कर रहा था ना यहाँ पर गूगल की, IBM की, अगर मान लो आपके पास Amazon वगैरह की, तो ये सारी कंपनीज होंगे, इनके सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। और दोस्तों इन्हीं एप्लीकेशंस को तरह तरह के जो यूजर्स हैं अलग अलग परसेप्शन के साथ में यूज करते हैं, और दोस्तों उनका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर पहुंच जाता है उन कंपनीज के पास। और दोस्तों जो भी आपके पास कंपनीज होंगी मतलब मान लो इंस्टाग्राम के कस्टमर्स होंगे वो फेसबुक के पास भी होंगे, आपके पास मान लो अगर फेसबुक के कस्टमर्स होंगे तो वो इंस्टाग्राम के पास भी होंगे, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब वो अलग अलग जो आपके पास कस्टमर्स हैं वो सारे कस्टमर्स क्योंकि वो सारी कंपनीज आपस में कनेक्टेड है, सारे जो उनके आइडियाज है वो आपस में शेयर करती रहती है कि किस तरीके से वो सारी कंपनीज आपस में अपने आप को इंप्रूव कर सकती है, तो इस तरीके से उनका जो डेटा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन कंपनीज के लिए। तो इसीलिए जो है इससे काफी बड़ा फायदा फ्रेगमेंटेशन से ये हुआ कि हम लोग ने जो अगर फ्रेगमेंटेशन कर दिया तो ऐसे में आपके पास पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जो एक्जिस्टिंग मेथड्स थे जो कि हम लोगों ने छोड़ दिए, आपके पास मान लो रेडियोज के ऊपर ट्रांसमिशन होती थी, ब्रॉडकास्ट होती थे, सारे एड्स एडवर्टाइजमेंट करवानी होती थी, मार्केटिंग करवानी होती, आपके पास रेडियोज के आपके पास जो है वो मीडियम्स प्रेजेंट होते थे, आपके पास टेलीविजन होते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं, आज के टाइम पे आपके पास अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप अपने जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स है उसको लॉन्चिंग के बाद यहाँ पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और अलग अलग यूजर्स को जो है वो यहाँ पर कैच आउट कर सकते हैं। तो ये काफी कमाल की चीज है। और दोस्तों यहाँ पर इसी मीडिया फ्रेगमेंटेशन को हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास बुलबुला पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, और दोस्तों अलग अलग यूजर्स को अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर यूज करने की अथॉरिटी भी जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो काफी ज्यादा कमाल का कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों यहाँ पर जो कंपनीज है बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ उनका काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनके ऊपर जो है यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे और दोस्तों उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो यहाँ पर कंप्लीट सर्विसेज हैं उनको कस्टमर्स जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे, और दोस्तों उनसे उनको जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके जो यूजर्स हैं, उनका परसेप्शन यानी कि उनकी जो थिंकिंग है उसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारे जो कस्टमर है उनको इस चीज की काफी ज्यादा जरूरत है और वो इस चीज के लिए हर जगह पर जो है वो सर्च करता रहता है। अब मान लो गूगल के ऊपर अगर कोई सर्च करता है आपके पास यहाँ पर विंडोज के बारे में, तो विंडोज के बारे में मान लो आपके पास इंस्टाग्राम पे भी सर्च हो सकता है, आपके पास फेसबुक पे भी सर्च हो सकता है, लेकिन अगर उनमें सर्च होता है तो क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उनको लिंक्स प्रोवाइड कर सके, तो ऐसे में वो पहुंच जाएगी गूगल के पास, और दोस्तों गूगल जो है वो उनको इसके रेलिवेंट जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे में उसको भी ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो यूजर है इसने फेसबुक के ऊपर विंडोज के बारे में पता किया, इसने इंस्टाग्राम पे भी विंडोज के बारे में पता किया, लेकिन वहां पर इनको ये चीज नहीं मिली, तो ये आ गए मेरे पास, यानी कि गूगल के पास जो है ये आ गए और गूगल ने इसको उससे रेलिवेंट जो रिजल्ट है वो यहाँ पर शो आउट कर दिया। तो कॉन्सेप्ट जो है इस चीज का वो काफी ज्यादा कमाल कर, दोस्तों मीडिया के फ्रेगमेंटेशन के बाद ये और ही ज्यादा इंटरेक्टिव और ही ज्यादा अच्छा हो चुका है, और आने वाले फ्यूचर में यार डेफिनेटली हम इसको और ज्यादा इंप्रूव भी करेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको डिवाइड करेंगे ताकि जो कंप्लीट हमारी हैबिट्स है, जो कंप्लीट कस्टमर्स की हैबिट्स है, वो कंपनी समझ सके और बन सके आज की IT और कंपेटिटिव मार्केट में सक्सेसफुल। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी मीडिया फ्रेगमेंटेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।